हेलो दोस्तों, आज फिर मैं भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि एक अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हम एक ही तरह से बना बना कर बोर हो जाते हैं, तो कुछ यूनिक हमें बनाना पड़ता है जिससे कि बच्चे बड़े और घर के सभी लोग को पसंद आए। तो क्यों ना हम भिंडी की एक नई तरह की रेसिपी बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही यूनिक और अलग तरह की रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं भिंडी की सब्जी एकदम ढाबा स्टाइल में, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, ये मीडियम साइज का भिंडी है। इसे अच्छे से पहले धो लीजिए साफ और कपड़े से एकदम सूखा पोंछ लीजिए, और उसके बाद हम भिंडी का जो डंडी है आगे का और पीछे का, उसे हम ऐसे कट लगा लेते हैं, क्योंकि भिंडी के पीसेस को हमें ऐसे ही रखना है, इसलिए हमें मीडियम साइज़ का भिंडी यूज़ करना है। अगर थोड़ा भिंडी अगर ज़्यादा बड़ा है तो दो पीस आप कर सकते हैं, और बीच से हमें ऐसे चीरा लगा लेना है। चीरा लगा कर हमें देख लेना है कहीं भिंडी अंदर से ख़राब तो नहीं है, तो चीरा ज़रूर लगाइए। और हम भिंडी को देखिए, सभी को हम ऐसे कट कर लिए हैं आगे और पीछे को, और बीच में चीरा लगा दिए हैं। और इसके लिए मसाला बना रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, एक प्याज और दो टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ, और यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन को मैं कूट कर इसको क्रश कर लेती हूँ, दरदरा कूट लेती हूँ, क्योंकि लहसुन और मिर्च को हम जब दरदरा कूट कर डालते हैं ना दोस्तों ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जियों में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ताज़ा फ्रेश ही डालें, उससे आपका टेस्ट सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं तेल को गर्म करने रख दी थी, यह है सरसों का तेल दोस्तों। सरसों का तेल में अगर आप तलते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट टेस्ट आता है, अगर वो नहीं है तो सनफ्लावर ऑयल में आप तल सकते हैं। मैं दोनों तेल ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर इसे मैं तल कर अच्छे से हम इसे डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा भिंडी जो है अच्छे से पक जाता है। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, भिंडी का कलर कैसे चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो भिंडी जो है काफ़ी अच्छे से पक चुका है, सारे भिंडी को हम अच्छे से निकाल लेते हैं दोस्तों। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो है भिंडी तो खाते नहीं है। अगर आप एक बार इस तरह से बनाकर देखेंगे तो आपको भी भिंडी, अगर आप नहीं खाते होंगे तो आपको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। तो आप भी एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो सभी भिंडी को मैंने देखिए निकाल लिया है, अब हम इसे सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल मतलब कुकिंग ऑयल ले ली हूँ, चाहे सरसों का तेल हो चाहे सनफ्लावर ऑयल हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर तड़के में डाल देती हूँ जीरा और हींग। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अदरक है उसे मैंने कद्दूकस करके डाला है। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन और मिर्ची को भी क्रश कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके डाले हैं। और जो क्रश हमने मिर्ची और लहसुन जो किया था, हरी मिर्च, उसे हम डाल देते हैं। इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आने लग जाता है सब्जियों में। उसे हम एक दो सेकेंड ऐसे ही भूनते हैं जैसे कि इसका कच्चापन चला जाए। अगर आप यहाँ पर प्याज डालना चाहते हैं तो एक बारीक कटा प्याज भी आप यहीं पर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर एक ताज़ा फेटा हुआ दही है, मतलब खट्टा नहीं है, ताज़ा फेटा हुआ दही है, जिसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और दही को डालने से हमें मतलब दही को फटाना है यहाँ पर दोस्तों, जिससे कि इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए, दही जो है फटना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर आधा कप के करीब यहाँ पर दही को ली थी दोस्तों। तो ये देखिए, ताज़ा दही लेना है दोस्तों, ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और ये देखिए, दही जो है फट रहा है, और इसका पानी को हमें सुखाना होता है। दही जो है फटेगा तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छे में आएगा, मतलब क्रीमी जैसे टेस्ट इसका लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और यहाँ पर दही का पानी को हमें सुखाना है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरा धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे बेसन, मतलब बेसन एक छोटा चम्मच हमें हल्का सा बेसन डालना है। बेसन डालने से इसका जो इसका जो मसाला है दोस्तों बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पर हम डाल देते हैं जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाए थे, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला हम अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पर जो भिंडी हमने तल के रखा था, उसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चाट मसाला, और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं, जिससे कि भिंडी में हल्का सा कोट इसका लग जाए। और ये देखिए, हमें इसे अच्छे से भूनना है इस मसाले को, तो हम इसे अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कि जो मसाला जो है अच्छे से पक जाए और भून जाए। और ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से बन गया है। अब हम यहाँ पर जो भिंडी रखे उसे डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी ले सकते हैं। और इसे हम ढक देंगे, ढक के हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, जिससे कि जो मसाला जो है अच्छे से भिंडी में आ जाए उसका जो फ्लेवर है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा भिंडी जो है
बहुत अच्छे से बन गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख भी रहा है। यहाँ पर अब एक टमाटर है जिसे मैंने ऐसे चौकोर टुकड़ों में काट दिया है, अंदर का जो बीज है उसे निकाल दिया है और हम यहाँ पर इसे डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे थोड़ी देर ढक देते हैं, करीब हम इसे एक मिनट ढक कर पकाएंगे। टमाटर जो है एकदम ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, जो अभी डाले हैं उसे हल्का सा क्रंची हमें चाहिए। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी, जिसे क्रश करके डाल दीजिए। और उसके बाद बस हम इसे एक मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट हम इसे हल्का सा पकाएंगे ढक ढक कर, और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई भी गरम मसाला इसमें अलग से ऊपर से नहीं डाली हूँ, ये ऐसे ही सब्ज़ी जो है बहुत स्वादिष्ट बनता है, आपको गरम मसाला वगैरह कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप रोटी पराठा के साथ खाएंगे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा, इसे आप चाहे तो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी दोस्तों, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।